नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल हेमा मोहता पर स्वागत है। आज मैं आपको गर्मा गर्म खुशखुशी कचौरी बनाने की रेसिपी सिखाऊंगी। मैं कचौरी बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये मैंने एक कटोरी मूंग दाल लेके भिगो के 2 घंटे पहले ही भिगो दी थी और पानी में से निकाल के मैंने इसे मिक्सर में से निकालने के लिए रख दिया है। इसे हम थोड़ा मोटा एक या दो सेकंड के लिए पीसेंगे। अब इसके लिए चाहिए 2 कटोरी मैदा, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 से 1.5 चम्मच दही। दही डालने से वो अच्छी खस्ता हो जाती है। और 3 से 4 चम्मच मोहन भी ज़्यादा कम नहीं डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी से आटा भिगोएंगे। ये आटा हमने इस तरह से भिगो दिया है। अब इसे हम भिगो के 20 से 25 मिनट तक रखेंगे इसे ढक के। अब हम मैंने ये मिक्सर में से निकाल लिया है इस तरह से, थोड़ा मोटा मोटा ही है। ये कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच मीडियम साइज के मैंने गरम रखे हैं तेल, उसमें हम डालेंगे जीरा और उसके बाद डालेंगे धनिया जो बड़ा बड़ा पिसा है। ये अच्छा सिक गया है तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। ये बेसन से स्वाद भी अच्छा आता है। ये अच्छा सा थोड़ा रेडिश हो गया ना, तो उसके बाद हम डालेंगे ये जी मिक्सर में से पिसी हुई दाल। अब इसे अच्छे से थोड़ा सा सेक लेंगे। अब ये अच्छे से थोड़ा सा सूखा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और कस्तूरी मेथी। ये जरूरी नहीं है पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अमचूर पाउडर, अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो नींबू सत्व डाल सकते हैं। और ये अमचूर पाउडर डाली है इसलिए थोड़ी सी शक्कर। अब इसे अच्छे से मिक्स करके ये हो गई स्टफिंग तैयार। ये मसाला तैयार है। अब हम ये आटे की मैंने इस तरह से लोइया बना दी है, मीडियम साइज की लेना है। अब इसे हम बेलेंगे, साइड से थोड़ी सी पतली करनी है। अब इसे हम कचौरी का मसाला इसमें भर के इस तरह से पैक करेंगे। बहुत ज़्यादा भी मसाला नहीं लेना है और अच्छे से ये बंद करके हम इसे बेलेंगे। अब इस तरह से ये सारी कचौरियाँ मैं बेल के रखूँगी। और ये तेल गरम रख दिया है मैंने कढ़ाई में और एक साथ बेलने के बाद हम फिर उसे फ्राई करेंगे। इस तरह से मैंने कचौरी बना के रख दी है। अब इसे तेल गरम हो चुका है, इसे ज़्यादा बड़ा गैस करना नहीं है, हम इसे तेल में छोड़ देंगे। इसे घड़ी घड़ी उल्टा सुल्टा करना नहीं है, 2-4 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही कम आंच पे रखेंगे जब तक ये फूल न जाए। और थोड़ी देर के बाद हम इसे उल्टा करेंगे। अब इसे मैंने दोनों तरफ से फ्राई कर दिया है और ये इस तरह से फूल चुकी है। अब ये हम निकालेंगे। अब इस तरह से निथार के हम इसे टिश्यू के ऊपर रख देंगे। और ये हो गई हमारी कचौरी रेडी। ये कचौरी खाने के लिए तैयार है। ये कचौरी आप 10-12 दिन तक टिक सकती है और गेहूं का आटा से भी बना सकते हैं। गेहूं का आटा अगर डाला तो वो कचौरी बाद में सील जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।